तो डेल्टा कॉर्प के अंदर लोअर लेवल से काफ़ी ज़्यादा अपमूव यहाँ पर हमें देखने को मिल चुका है लोअर लेवल से अगर मैं बात करता हूँ तो समवेयर अराउंड वन सेवेंटी थ्री रुपीज़ से लेके ये स्टॉक्स बढ़ चुका है समवेयर अराउंड टू फिफ्टी फोर ऑलमोस्ट फोर्टी सिक्स परसेंट फोर्टी सेवन परसेंट ये स्टॉक्स बढ़ चुका है ठीक है बड़ी टाइम फ्रेम का मैं अगर चार्ट का स्ट्रक्चर देखता हूँ तो अभी भी स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर ही गुजर रहा है बट चार्ट का स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया है और यहाँ से हायर लेवल दिखाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई है सभी टाइम फ्रेम की अगर मैं चार्ट की स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करता हूँ तो चार्ट के स्ट्रक्चर बहुत ही बेहतरीन बने हुए हैं जस्ट टू हंड्रेड एंड फिफ्टी टू हंड्रेड एंड फिफ्टी फाइव बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज बनी हुई है वो रेंज के आसपास से ही हमें थोड़ा हल्का सा सेलिंग भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है ठीक है तो हमें करना क्या चाहिए ऑलरेडी लोअर लेवल से किसी ने बाय करके रखा हुआ है अभी भी उसको होल्ड करना है आप ज़रूर से होल्ड कर सकते हो मैं आपको ट्रेल स्टॉप लॉस एक बता रहा हूँ टू हंड्रेड एंड फोर्टी अगर टू हंड्रेड एंड फोर्टी के नीचे सस्टेन करना चालू करता है तो किसी को फ्रेश शॉर्ट पोजिशन बनानी है पोर्ट ऑप्शन में के अंदर काम करना है तो आप जरूर से काम कर सकते हो सो तो मेरा कन्फर्मेशन लेवल है टू हंड्रेड एंड फोर्टी क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ठीक है सो तो डेल्टा कॉप के अंदर किसी को भी काम करना है तो जरूर से काम कर सकते हो जिसको फ्यूचर ऑप्शन के अंदर भी काम करना है पुट ऑप्शन में काम करना है टू हंड्रेड एंड फोर्टी के नीचे सस्टेन करना चालू करें उसके बाद पुट ऑप्शन में काम करके अच्छा पैसा बन सकता है आपका और उस टाइम पे क्लोजिंग बेसिस के ऊपर स्टॉप लॉस होगा समवेयर अराउंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी का तो दस रुपये का रिस्क है ठीक है और जो भी लोगों ने बाय करके ऑलरेडी रखा हुआ है लोअर लेवल पे उनको मैं ट्रेल्स लॉस ये बता रहा हूँ 240 क्योंकि 240 जैसे ही ब्रेक होगा आपको इमीडिएटली 220 तक के लोअर लेवल्स स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं तो मेरे हिसाब से थोड़ा संभल के काम करना चाहिए और जो इस तरह से बताया है मेरे लेवल के ऊपर प्राइज एक्शन जरूर से आप लोग देखिएगा और काम कीजिएगा